गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपको गृह कार्य नहीं दिया गया था, इसलिए पहले तो आपको गृह कार्य देंगे, फिर अपन कारक और समास पढ़ेंगे, क्योंकि समास में अपने तत्पुरुष समास आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी है कि कारक काम में आएगा, कारक के बिना वो समास आपके समझ में नहीं आएगा। तो पहले अपन गृह कार्य नोट करते हैं, उसके बाद में कारक समझेंगे। तो आप नोट करो, जिस शब्द से संख्याओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। मैंने कारक के हिसाब से परिभाषा, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको सही है वो उसमें लिखोगे। फिर बाद में वह शब्द बताइए जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, यानी बहुवचन में ही आता है, बदलता नहीं है, वो इसमें से देख के लिखना आपको। एक अब फिर तीसरा प्रश्न, वह शब्द बताइए जिसका प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में समान होता है, उस शब्द को इनमें से छाटना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन में भी आता है सेम और सेम वैसे ही एकवचन में आता है। फिर सदैव पुल्लिंग में आने वाले पांच शब्द लिखो जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग के हो चाहे कोई भी, पांच शब्द लिखो। फिर ऐसे पांच शब्द बनाओ जो हमेशा बहुवचन में आते हैं, ऐसे पांच शब्द जो सदैव बहुवचन में आते हैं, ये हो गया। फिर छह का क्वेश्चन है अपने, छह में आप लिखो लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं। फिर आपका सात का क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो ये आपके आठ क्वेश्चन हो गए, इनको कर लिए। अब अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, समास पे। वो कारक किसे कहते हैं पहले, बाद में समास।
संबंध सूचित करता है उन्हें कारक कहते हैं। यानी एक दूसरे का संबंध बताया जाता है, जैसे शब्द लेगा या व्यक्ति लेगा शब्द का दूसरे
शब्द से संबंध स्थापित करना, यह आ जाएगा अपना। फिर है अपना सात नंबर पे, सात नंबर पे का क्या आएगा, अधिकरण आ जाएगा। अधिकरण में क्या आएगा, क्रिया कैसे, काम कैसे किया जा रहा है, क्रिया का रूप आ जाएगा इसमें। तो इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर, यानी काम कैसे किया जा रहा है, क्रिया कार्य कैसे किया। ठीक है, जैसे कि दादाजी कमरे में बैठे हैं, तो क्या काम करे, बैठने का काम करे, लेकिन कहाँ बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, कहाँ कैसे, ये मैंने लिख दिया, कार्य कैसे है और कहाँ पर कर रहे हैं। अब है पर, राम छत पर बैठा है, बैठना क्रिया हो गई, इसमें क्रिया का रूप हो गया, यानी देखती हूँ मैं क्रिया का रूप, यानी वो छत पर बैठा है, ये हो गया। अब अपना लास्ट का है संबोधन, बुलाने के लिए, ये हो गया। अब अपना जो तत्पुरुष समास है उसमें आप ध्यान रखना, ये दोनों विभक्ति अपने काम में नहीं आएगी, इसलिए अपना तत्पुरुष समास जो है उसके छह भेद होंगे, ये बात आपको समझनी है, और ये तत्पुरुष का समास में आपके काम आएगी, तब आप देखना इसको। अब अपना टॉपिक है समास, पहले भी आप पढ़ चुके हो सिक्स सेंस में, तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और उनको अलग अलग करने की रीति को हम विग्रह कहते हैं। ठीक है, और समास के छह भेद होते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और विग्रह शब्द से शब्द को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहेंगे। तो जैसे देखो, पहले गान लिखती हूँ मैं आपको, दो या दो से अधिक देशभक्त, देश लिख दिया, इधर मैंने कर दिया भक्त, तो ये क्या बन गया अपना देश भक्त। अब अपन इनका विग्रह करेंगे इनको, तो देश के लिए भक्ति क्या हो जाएगा, देश के लिए अलग करने की
आपको समास शिक्षा और वेदों के नाम एक साथ सिखा देती हूँ। यहाँ जाएगा आपका द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर आपका तीसरा जाएगा अव्ययीभाव समास, चौथा अपना कर्म धारिय समास, फिर पांचवा अपना बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास, और छठा है समास। ये अपने समास पूरे हुए। अब अपन इनकी परिभाषा लेंगे एक एक की, द्विगु समास में क्या है, द्वंद्व में क्या है।